कि अरे जाए के ता चलिए गईलू अब सतावल छोड़ द कि अरे पहले के याद बड़ी पहरता हो सोच के करे जाओ भाई जहरता हो अरे अशोक कही से कटी नया साल अशोक कही से कटी ही नया साल कि माल ससुराल गई हम बानी अकेले फिलहाल हम बानी अकेले फिलहाल कि जान ससुराल गई। सबसे पहले हम गायक नीलकमल सिंह तमाम भोजपुरी श्रोता और प्लानेट भोजपुरी के देखे वाला तमाम दर्शकगण के चरण छू के प्रणाम करतनी। हम तो बक्सर के रहने वाले हैं और मैं 2002 से गाना गा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए। और मेरा एल्बम 2002 में आया था तो सब चल रहा है बहुत प्यारा। अभी तो मार्केट में भाई लोग सबका दर्शकगण का प्यार मिल रहा है। मेरा पहला गाना था मौसी के चुम्मा ले लो पापा अभी तक हम भाई से। मैं छोटा था उस समय, मैं उस समय 9 साल का था। उस समय मैं गाया था और बहुत दर्शकों का प्यार मिला। उस समय गाना बहुत बजा था मेरा। मेरा जो गाना था मौसी के चुम्मा ले लो पापा अभी तक हम भाई से, मैं बचपन में गाया था। उस समय मैं 9-10 साल का था और ये मैं छोटा था इसलिए मेरे मुँह से अच्छा लगा लोगों को। वो गाना ऐसे था कि आज देही भांडा फोरी बधराइल तहार चोरी अरे ना मानबू हम पैसा लेके ना मानबू हम पैसा लेके आ ना ही मानो मिठाई से हम मौसी के चुमा ले लह पापा आवे द कहब माई से। बहुत चला था गाना ये, मैं उस समय छोटा था। तो हाँ बॉक्सर के बाद मेरा गाना ये हिट हुआ तो फिर वेव कंपनी में गाना गाने लगा। लगातार वेव कंपनी में मेरा मुझे बुलाया वेव कंपनी और TCD से भी गाना गाया, बहुत सारी कंपनियों से मैं गाना गाया। उसके बाद आजकल अब मुंबई में हूँ और लगातार एल्बम कर रहा हूँ और फिल्में भी कुछ लाइनअप में हैं, सब चलने वाली हैं। नया साल में तो अभी नया साल का गीत मेरा आया था कि हम बानी अकेले फिलहाल जान ससुराल गई, तो बहुत प्यार मिला लोगों का। कि अरे पहले के याद बड़ी पहरता हो सोच के करे जाओ भाई जहरता हो अरे अशोक कही से कटी नया साल अशोक कही से कटी ही नया साल कि माल ससुराल गई हम बानी अकेले फिलहाल हम बानी अकेले फिलहाल कि जान ससुराल गई। बहुत प्यार मिला टिकटॉक पे, बहुत अच्छा गाना चला और हर जगह बज भी रहा है। नया साल में अब होली का कुछ मैं करूँगा, होली कुछ गाने अच्छे अच्छे बना रहा हूँ। तो अश्लीलता भोजपुरी में तो चल ही रही है। मेरा कहना ये है कि जिन गायकों को अच्छा गाना आता है अश्लीलता का सहारा वो लोग लेते हैं जिनको मतलब अच्छे से गाने नहीं आता है। जो जो जिनको जिनके पास गायकी है अच्छा गाना गा सकते हैं तो वो अच्छे गाने गा के अपना मार्केट बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है अच्छा अगर आप गाते हैं तो आप अच्छा ही गीत गाइए, असली गीत मत गाइए। असली गाने भी बजना भी कम हो गए अब, पहले यूट्यूब ने सपोर्ट किया पूरा, मतलब चल रहा था गंदे गाने आते तो चलते थे लेकिन अभी तो वो भी स्ट्रिक्ट हो गया है, बाकी अच्छे गाने ही चल रहे हैं आजकल। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, जिस स्टार का गाना है तो ऐसा वो वहीं गाए उस गाने को तो ज़्यादा सक्सेस होता है। जैसे मेरा लड़का कलाई का गाना था तो उस पर मैंने अभी मतलब मैं 2 बार ही ट्यून गाया हूँ उसको, बहुत लोग गा दिए तो उस पर मैं अभी उड़नी गिरल खरियानी में गाना गाया था। मेरा उसका वीडियो आजकल में रिलीज हुआ है उसका, तो मेरा व्यू जा रहा है, किसी का व्यू नहीं गया उस पर ज़्यादा, कोई मतलब 1 लाख क्रॉस नहीं किया मेरा तो, मतलब कि वो तो 33 मिलियन 2 मंथ में गया है। और मतलब जिसका गाना जो है वहीं गाता है तो अच्छा लगता है और वहीं उसी को लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं। और एक 26 म्यूजिक से मैं गाना गाया था अब सतावल छोड़ दो, बहुत अच्छा गाना था वो। कि अरे जाए के ता चलिए गईलू अब सतावल छोड़ द अरे खुश रह ससुराल में सपना में आवल छोड़ द जाए के ता चलिए गईलू अब सतावल छोड़ द। मेरा सेट सॉन्ग इसका वीडियो आने वाला है 26 म्यूजिक से, तो आप लोग का प्यार चाहिए। और भी गाने बहुत सारे मेरे मार्केट में भी आने वाले हैं, एक बार और मिलिए फिर इंटरव्यू देंगे गाने वाला, हारमोनियम लेकर इंटरव्यू देते हैं एक बार। थैंक यू, सबको प्रणाम, भाई को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, जय माता दी।
प्लैनेट भोजपुरी।